अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का महीना है, 12वां रोज़ा है, तो घर से अभी निकलने वाला था। मैंने सोचा कि चलो वज़ू करके निकलते हैं, 2 बजे जमात होती है, 2 बजने में से 10 ही मिनट रहते हैं, तो चंद एक दो मिनट की दूरी पे मस्जिद घर से दूर है। तो आज आप हमारे साथ रहिए कि मेरा आज का रोज़ा का दिन कैसे गुजरता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारा आज का सफ़र कैसे गुजरता है। साथ रहिए हमारे। ये हमारी मस्जिद है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैंने पढ़ ली है। मैं जो ही बाहर निकला हूँ मस्जिद से, सामने देखा मेरे भाई और कज़न बैठे हुए थे, तो उनसे मिला हूँ। जा रहे हो लौट के आना। अच्छा, मैं जो ही घर गया था, घर जाते ही पहुँचते ही मुझे शमस खान की कॉल आती है, जो मेरा दोस्त है। उसने कहा कि कहाँ पे हो? मैंने कहा घर पे। तो उसने कहा बाहर आओ। मैं बाहर आया, जूँ ही मैं गाड़ी में बैठा शमस खान के साथ। शमस खान के साथ मेरा एक करीबी ही रिश्तेदार है जो जर्मनी से आया हुआ, वो भी था। हम दोनों आपस से मिले, हेलो हाई की, उसके बाद हम निकले हैं। तो शमस खान ने कहा जी आज की अफ्तारी है, आप दोस्तों के मेरे साथ हैं। तो शमस खान को आइडिया नहीं था कि मैं पहले से ही वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा क्रिकेट का ग्राउंड है, तो टाइम पास करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ी देर तक। तो यहाँ पे हमें दोस्त मिलते हैं जो कि कुछ जर्मनी से आए हुए हैं। यहाँ पे हम इमरान नज़ीर का वेट कर रहे होते हैं। इमरान नज़ीर आता है तो उसको पिक करते हैं। अभी हम होटल के लिए जा रहे हैं जहाँ पे हमारी इफ्तारी है। ये हमारा एक छोटा सा शहर है फ़तेह जंग, जिसका नाम है, जहाँ पे हमारी इफ्तारी थी हम उसी होटल में पहुँच गए थे। और फ़तेह जंग में ये वाहिद एक ही होटल है जहाँ पे इफ्तारी दी जाती है। कुछ साल पहले फ़तेह जंग में 3 से 4 जगह पे इफ्तारी दी जाती थी, मगर इस दफ़ा ये एक ही वाहिद होटल है जहाँ पे इफ्तारी दी जा रही है। शादम भाई है हमारे साथ, मैं और ये अक्सर इकट्ठे बैठते हैं, तो हम एयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं। हम दोनों ने एयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, शादम भाई के भी, तो अभी बाल गिर चुके हैं हम दोनों के। रिजल्ट 4 मंथ के बाद आएगा। मुझे 4 मंथ हो गए हैं, शादम भाई को 2 मंथ हुए अभी तक। तो शम इंतज़ार कर रहा है अफ्तारी का। शमस भाई ने अफ्तारी के लिए हमें यहाँ पर इन्वाइट किया हुआ है। तो जनाब अभी हमारी अफ्तारी का टाइम हो चुका है और अभी हम अफ्तारी करने लगे हैं। अभी हम आ चुके हैं शादम खान के घर, तो यहाँ पे हम सहरी तक यहाँ पे बैठते हैं। वाह जी वाह। ग्रीन टी, ग्रीन टी पियेंगे जी। शादम खान ग्रीन टी होनी चाहिए। ये हमारा किचन है। अच्छा जी, ठीक है। और ये हमारी बैठक है, ये हमारा गेस्ट रूम है। बिल्कुल वो हमारी यहाँ पे गप्पे शप्पे होती हैं सहरी तक। अभी हम यहाँ बैठेंगे, लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं। आपको कष्ट हो रहा है? डबल टीवी
ट्रैवल साइड की भी आखी भी पांच का वो न्यू मारा लो मैंने मार कर दिया।